हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी प्रोफेशनल काशिफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। तो आज हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करेंगे। टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के कितने प्रकार होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे पहचाने कि किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर, और थर्ड नंबर में देख रहे हैं हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करेंगे। गाइज, फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। कोई भी आग एक ही बार में बड़ा नहीं होता, शुरुआती में किसी भी आग का आकार छोटा होता है और हम जब उस पर काबू नहीं पाते हैं तो वह आग एक बड़ा रूप ले लेता है जिससे बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हम सबको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए जिससे किसी भी आग को छोटी अवस्था में हम फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से ख़त्म कर दें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के कितने प्रकार होते हैं। दे आर फाइव मेन फायर एक्सटिंग्विशर टाइप। फायर एक्सटिंग्विशर के पांच मुख्य प्रकार हैं, वाटर, फोम, CO2, DCP एंड वेट केमिकल। वाटर पानी वाला, फोम झांग वाला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, DCP ड्राई केमिकल पाउडर एंड वेट केमिकल। हाउ टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे पहचाने किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है। वी विल रिकॉग्नाइज बाई कलर कोड, हम कलर कोड से पहचान करेंगे। दोस्तों, हम तो पढ़कर भी पहचान कर सकते हैं, बट वर्कर सब पढ़े नहीं होते, तो उन्हें कलर कोड की सहायता से बताया पहचान कराया जा सकता है। ड्राई केमिकल पाउडर DCP ब्लू कलर का, उस पर स्टिकर लगा होता है। वाटर रेड कलर का स्टिकर लगा होता है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर पे क्रीम कलर का स्टिकर लगा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पे ब्लैक कलर का स्टिकर लगा रहता है, और वेट केमिकल पे येल्लो स्टिकर लगा रहता है। स्टिकर की सहायता से हम वर्कर को पहचान करा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताएं, CO2 पे ब्लैक स्टिकर लगा होता है, वेट केमिकल पे येल्लो लगा होता है, वाटर पे रेड स्टिकर लगा होता है, DCP पे ब्लू स्टिकर लगा होता है, फोम पे क्रीम कलर का स्टिकर लगा होता है। तो यहाँ पे आप हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करेंगे। पांच टेक्निक, दोस्तों पांच टेक्निक की सहायता से हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। डिस्चार्ज फायर एक्सटिंग्विशर विद इन एप्रोप्राइट रेंज यूजिंग द पास टेक्निक। पुल MSQ पास टेक्निक, तकनीकों का उपयोग करके उचित सीमा के भीतर आग बुझाने की कला। पुल MSQ और स्वीप। यहाँ हम दोस्तों देख रहे हैं, एक नंबर में P4 पुल द पिन, पिन को खींचे, हैंडल के पास एक पिन लगा होता है उसे निकालना है। सेकेंड में देख रहे A फॉर एम एट बेस ऑफ फायर, आग के आधार पर निशाना लगाएं जमीन पर। तीसरे नंबर देख रहे हैं S4 एस्क्यूज एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, एक्सटिंग्विशर के हैंडल को दबाएं। और फोर्थ नंबर में देख रहे हैं S4 स्वीप एट द बेस ऑफ फायर एंटिल द एक्सटिंग्विशर इज कम्प्लीटली एम्प्टी एश्योरिंग दैट द फायर इज आउट। आग के बेस पर झाड़ू स्वीप मारेंगे, नोजल को झाड़ू की तरह आगे पीछे करेंगे जब तक एक्सटिंग्विशर पूरी तरह से खाली ना हो जाए। फिर हम देखेंगे कि आग खत्म हो गया, और हम देखते हैं 18 से 20 सेकेंड में आग खत्म नहीं हुआ तो हम वहां से बाहर हट जाएंगे और इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, पुल द पिन, पिन को खींचे, एक नंबर में देख रहे हैं ये पिन लगा हुआ है, यहाँ पे पिन को खींचना है। दूसरे नंबर में हम देख रहे हैं एम द बेस ऑफ फायर, एम मतलब निशाना लगाना है कि कहाँ पे फायर का बेस है, मतलब फायर के बेस पे हमको निशाना लगाना है। तीसरे नंबर पे एस्क्यूज, ये हैंडल जो है हैंडल के पास दबाना है तो मेरा जो इसके अंदर DCP पाउडर है वो बाहर आएगा। और चौथे नंबर में स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू की तरह आगे पीछे नोजल को करना है जिससे फायर के बेस पे झाड़ू के से हम आगे पीछे करेंगे तो वो फायर मतलब बंद होगा, उसका कट ऑफ होगा, ऑक्सीजन कटेगा और फायर ख़त्म होगा।